अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम की मीठी चटनी। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो मैंने कच्चे आम लिए थे। इसकी मैंने गुठली निकाल दी है जिसकी वजह से अब ये थोड़े कम बचे हैं। ये 250 ग्राम से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, तकरीबन 300 ग्राम होंगे ये। इसके लिए मैंने पिसा हुआ गुड़ लिया है, इसे गुड़ की शक्कर भी कहते हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। 10 से 12 कलियां मैंने इसके लिए लहसुन की ली हैं, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक, कलौंजी आधा चम्मच, और इसके लिए मैंने तकरीबन ये 2 चम्मच सिरका है जो मैंने लिया है। इससे जो है चटनी में तीखापन और थोड़ी तेज़ी भी आ जाएगी। सबसे पहले हम जो ये कच्चे आम रखे हैं हमने, ये हम इसमें डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा गिलास पानी। ये मैंने आधा गिलास पानी लिया है, इसमें डाल लेंगे और इसके अंदर हम सारा ही मसाला जो हमने निकाल के रखा है, ये लहसुन की कलियां 10 से 12 कलियां मैंने निकाल के रखी थी, ये मैं डालूंगी। मिर्च डालूंगी, नमक, कलौंजी, सिरका हम बाद में डालेंगे बिल्कुल अपनी चटनी तैयार होने के बाद। ये हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है। देखिए ये जो है कच्चे आम बहुत जल्दी गल जाते हैं, ये 2 मिनट मुश्किल से इसको गलने में लगेंगे, फिर मैं इसमें गुड़ डाल के तकरीबन 5 मिनट और गलाऊंगी। देखिए ये मैंने सिर्फ 2 मिनट पकाई है चटनी, जो आम है इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट पकाए हैं और ये तकरीबन गलने पे आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बस इससे ज़्यादा इसको नहीं गलाना है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पिसा हुआ गुड़ निकाल के रखा है, ये मैं इसमें डालूंगी। पिसा हुआ गुड़ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो है जल्दी घुल जाएगा इसके अंदर, और जब हम गुड़ डालेंगे वैसे उसको भी हम काट के ही डालेंगे, लेकिन उसको जो है गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। ये देखिए इसकी अच्छी सी रंगत आ गई है। अभी मैं इसको तकरीबन 4 या 5 मिनट और पकाऊंगी। तो ये हमारा जो ये सूप है, ये शोरबा, ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, फिर मैं इसमें सिरका डाल दूँगी।